गुरु प्यारियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले 19 दिनों तो दास साहब जी के नाल जिया का आहार जी विषय की विचार सांझी कर रहे हैं। कल तो असी एक बड़ा महत्वपूर्ण गल समझन की कोशिश कर रहे हैं कि जे मांस खाण के बारे विवाद कोई नहीं तो फिर सिख रहत मर्यादा दे विच ये क्यों लिख दिता गया कि कुठा नहीं खाना। कुठा मतलब मुसलमानी तरीके नाल बनाया होया, मुसलमान हलाल कर दे। कल मैं सारी गल कर चुका, दोबारा करन दी लोड़ नहीं। असल दे विच जिस वेले असीं गुरबाणी दे विच प्रमाणा नूं देखने आ उत्थे गल सिर्फ मुसलमानी तरीके नाल तैयार किते मांस दी नहीं है, कुठे दी नहीं है। उत्थे धर्म दे नां दे उत्ते किसे तरह दीआं वी बलियां देणियां, धर्म दे नां दे उत्ते पखंड करना, उहनूं रद्द कीता सतगुरु जी ने। कल वी दो प्रमाण वेखे सी आपां। अज दो प्रमाण होर आप जी नाल सांझे करने ने। और पहला प्रमाण फिर बाबा कबीर साहब का उच्चारण किया होया, कल जिहड़े सांझी किए सी वो बाबा कबीर जी दे सी, जिथे उन्होंने पंडित नूं पांडे नूं एक ताना मारिया। बाबा कबीर साहब बख्शिश करते ने, जी बदो सो धर्म कर थापो, और धर्म कहो कत पाई, आपस कहो मुनिवर कर जप थापो, का को कहो कसाई। गल बड़ी समझने वाली। पांडे तो कहना है कि जी मारना जड़ा है ये पाप है। इत्थे वैसे एक गल होर मैं थोड़ी जी स्पष्ट कर दिया। हिंदू कौम के पुरातन जिन्हें धर्म ग्रंथ ने ना, उन्हां दे विच देवी देवत्यां नूं मांस खांदे दिखाया गया। उस च मैं बहुत सारे प्रमाण भी दे सकना, पर इत्थे हुण ना इस समय ते ना लोड़ है इत्थे इस गल दी। ये समझिया जाता है कि हिंदू धर्म दे विच जिहड़ा मांस दे विरोध दे विच सारी गलबात चली है, जदों इन्हां ने बुद्ध धर्म नूं अपने अंदर अबजॉर्ब करना सी। बुद्ध धर्म दे विच अहिंसा का बहुत वड्डा सिद्धांत है। उन्हां दी गल ही इत्थों शुरू हुंदी है कि अहिंसा परमो धर्म आ, सब तो वड्डा धर्म है अहिंसा ना करना। तो वो हजम नहीं सन हो रहे। तो ब्राह्मण दे विच एक बड़ी वड्डी क्वालिटी है ब्राह्मणिकल सिस्टम दे विच कि यह फ्लैक्सीबल है। एक किसी नूं हजम करना है तो अपने आप नूं उहदे मुताबक जिहड़ा है कुछ समय लई चेंजिज कर लेगा और मूल रूप दे विच फिर वापस आ जाता है। क्योंकि फ्लैक्सीबिलिटी इस करके है भी जिस वेले हजम करना कर लो, फिर अपने मूल रूप से वापस आ जाएंगे। अज सिखां नाल भी यही किया जा रहा, सिखां नूं हजम करन वास्ते भी इहो जिहे तरीके अपनाए जा रहे हैं। उस वास्ते मैं इस विषय च ना जावां, अलग सा विषय, बड़ा लंबा समा लग जाएगा। लेकिन ये बलियां देने वाला सिस्टम जिहड़ा है ये चलता रहा, पहला भी चलता सी, बाद दे विच भी चलता रहा मुसलमान कौम वेले। हुण इत्थे बाबा कबीर जी यही गल दा ताना मार रहे ने कि तू जिस वेले किसी जी की बली देना, जी बदो सो धर्म कर थापो, उन मारदा तो कहना धर्म है। फिर अधर्म किनू कहना है? अधर्म कहो कत पाई, जिहड़ा तू दूजे पासे कहना कि नहीं खाना चाहिदा पाप है, वह फिर अधर्म किस तरह आ गया? आप उही कर्म कर रहे हैं जी नूं मार रहे हैं। आपस कहो मुनिवर कर थापो, उही कर्म करता होया तू देवता बन गया, मुनिया का मुनि, सब तो वड्डा देवता बन के बह गया। काको कहो कसाई, तो जिहड़ा अपने रोजी चलाने के वास्ते काम कर रहा, जिन्हें बिजनेस धंधा बनाया होया रोटी चलाने वास्ते अपने बच्चे पालन वास्ते, उन्होंने कहना है कसाई है, ये तो नीच है। बड़ी गहराई जाके समझने वाली गल है।
तू उही कर्म करें तो तू धर्म का ठेकेदार मुनि बन। दूजा अपना धंधा करता तू भी धंधे वास्ते ही पे, क्योंकि जेडे आ तू होम यज्ञ कराने ने उन्होंने पैसा लेना है, तो वो तेरी कमाई का साधन है। लेकिन तू मुनि है, उही कर्म करता होया, ते जिहड़ा बेचारा गरीब अपनी रोटी रोजी पालन वास्ते वो काम करता पिया, अपने धंधे के तौर पर करता पिया, उन्हों कहना कसाई है, छोटी जात है। अज का दूसरा प्रमाण गुरु नानक साहब का उच्चारण किया होया है, और बिल्कुल इसे विषय नाल संबंधित है। उत्थों सानू कुछ इतिहासक सच्चाइयां भी पता लगदियां ने। गुरु नानक साहब बख्शिश कर रहे हैं, लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन रस्सी नाल तक पाहो कतिए बामण वट्टे आए कुह बकरा रिण खाया सब को आखै पाए होए पुराणा सुटिए भी पर पाइए होर नानक तग न टुटई जे तग होवै चोर। लखां चोरियां लखां जारियां, जारियां मतलब स्त्री पुरखां दे नजायज़ संबंध, लख कूड़ियां लख काल लखां गालां कढ़ियां जांदियां ने, लखां झूठ बोले जांदे ने, लख ठगियां पहनामियां लखां ठगियां कीतियां जा रहियां ने रोज़ दिहाड़ी, और कम एक वेले नहीं हो रहा, रात दिनस जी नाल तेरा जीवन का करैक्टर बनया होया, ये भांडे तेरे जीवन का एक किरदार बनया होया आ सारे कर्म करने। उदे बाद आ सारे कर्म करके तू जनेऊ पान का पखंड करदा, तक पाहों कतिए बामण वट्टे आए, कपाह तो सूत बनता है, वो सूत जिहड़ा बनाने वाला है उन्हों छोटा कहना, जिहड़ा सूत दे कपड़े बना रहा है ना उन्हों छोटी जात का कहना, ते आप तो उन्हों लै के ते वट चाढ़ के ते दूजे दे गल पाना है ते बड़ा धर्म दा कम दसना है, उस धागे नूं ही तक कपाहों कती है, कपाह तो धागा बनया, बामण ने उन्होंने वट चाढ़े ते जनेऊ पान का पखंड किया। हुण इत्थों एक बड़ा वड्डा इतिहासिक सच पता लग रहा है सानू, कुह बकरा रिण खाया सब को आखै पाए, उस वेले फिर बकरे की बली दिती जाती है, उहदा जिहड़ा मांस पकाया जांदा है सारे स्वाद नाल खांदे ने, कहिंदे वाह जी वाह जनेऊ पा गया, मुबारक हो तुहाडे बच्चे नूं जनेऊ पिया, वधाइयां जी वधाइयां, को बकरा खाया सब को आखे पाए, को बकरा रिण खाया सब को आखे पाए। और सतगुरु कहिंदे जिहनूं तो बड़ा वड्डा धर्म का कार्य दस रहे हैं, होए पुराणा सुटिए भी फिर पाइए होर, पुराणा हो गया सुटता फिर होर पा लिया। सतगुरु कहिंदे जे धर्म का काम हुंदा ना तो धर्म तो कदी खत्म नहीं हुंदा, फिर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर। जे सचमुच धर्म का काम हुंदा, ये धर्म का प्रगटावा हुंदा, ते फिर कदी टुटदा ना, फिर इहदे विच ताकत हुंदी। हुण इत्थे जिहड़ी ये पंक्ति आ गई कि कुह बकरा रिण खाया सब को आखै पाए, उत्थों सानूं इक तां ये पता लग रहा कि जनेऊ पाउण वेले भी बकरे की बली देण दा विधान सी, और फिर इत्थे सिर्फ बली देण दी गल नहीं हो रही, खाण दी भी हो रही, कुह बकरा रिण खाया, और खा के फिर सारे वधाइयां देंदे ने, बहुत बहुत वधाइयां हुण जी, जाण लगे वधाइयां दे के जाते ना, तेरे बच्चे ने जन्म पालिया बड़िया बधाइया हो।
बकरा खिपन खाया, सब को वाक्या पाया, जनेऊ पा लिया जी, जनेऊ पा लिया। वाह जी वाह, बधाइयां बधाइयां जिन्हां नूं समझ लग जाए गल दी, घट्टो घट असीं इस विवाद दे विच ना पईए, इस झगड़े च ना पईए, इहनूं मुद्दा ना बनाइए कौम दे विच। अज अनेक वचन प्रवान करना, अजे थोड़े जी विचार होर आपां करांगे इस विषय ते, कल नूं पूरी गहराई तक जाके समझ रहे होइयां भुल्लां वास्ते खिमा बख्श देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।